गुड डे टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में आपने फॉर्मेट मेनू के कुछ ऑप्शन जैसे कि डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर, पैराग्राफ के बारे में सीखा था। आइए अब पिछली क्लास में आपने जो सीखा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं टेक्स्ट बाउंड्री को कैसे हटाते हैं? टेक्स्ट बाउंड्री को हटाने के लिए आप व्यू मेनू के टेक्स्ट बाउंड्री सब मेनू पर क्लिक करेंगे। क्या आप बता सकते हैं डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग क्यों करते हैं? डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग की मदद से आप उन सभी चेंजेस को हटा सकते हैं जो आपने राइटर के पेज पर किया है, जैसे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, बैकग्राउंड इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं फॉर्मेट मेनू के पैराग्राफ सब मेनू का उपयोग क्यों करते हैं? अगर आप पैराग्राफ को सेट करना चाहते हैं, जैसे कि लिखने से पहले आप कितनी जगह देना चाहते हैं और लिखने के बाद कितनी जगह देना चाहते हैं, और आप पैराग्राफ के पहले वर्ड को सबसे बड़े अक्षरों में करना चाहते हैं, और आप लेफ्ट, राइट, अप, बॉटम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो आप इन सभी कार्यों के लिए पैराग्राफ सब मेनू का उपयोग करेंगे। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और फिर बताया जा रहे एक नए तरीके से राइटर की फाइल को ओपन करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कमांड के द्वारा हम राइटर की फाइल को कैसे ओपन करते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडो बटन को ढूंढना होता है और उसे अपने लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से दबा के रखना होगा। जैसे ही आप उसे विंडो दबा के रखेंगे, उसके बाद आर के बटन को दबाएं। एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आपको अगर ब्लैंक दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसको बैक स्पेस से डिलीट करके जो भी लिखा हुआ है उसके अंदर आप एस राइटर को टाइप करें। और फिर ओके के बटन पर क्लिक करें या एंटर बटन का प्रयोग करें, जिससे कि आपका राइटर का फाइल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। क्या आप सभी ने राइटर की फाइल को ओपन कर लिया है अथवा नहीं? आज की कक्षा में फॉर्मेट मेनू के बचे हुए कुछ ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। आज जो आप सीखेंगे वह कुछ इस प्रकार से हैं। पेज सब मेनू का उपयोग क्यों करते हैं? बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग क्यों करते हैं? अब आप दिखाए जा रहे एक लाइन को टाइप करें और उसे 10 बार कॉपी पेस्ट करें। ध्यान रहे यह सभी लाइन एक नई लाइन से होनी चाहिए। अगर कोई समस्या हो रही हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कॉपी पेस्ट करने से पहले आपको अपने लाइन या पैराग्राफ जो भी आपने टाइप किया है उसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने की विधि जो है आपको पहले बताया गया है, उनमें से किसी एक विधि के द्वारा आप अपने इस लाइन को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इस लाइन को कॉपी करें। जैसे कि आप सभी को बताया गया है, कॉपी करने के 2 तरीके होते हैं, एक शॉर्टकट कमांड और दूसरा मेनू बार के एडिट ऑप्शन से जाकर कॉपी पे। इस पैराग्राफ को आपको शॉर्टकट कमांड के द्वारा कॉपी करना है, जिसके लिए आपको Ctrl+C का प्रयोग करना है, जिससे कि आपका यह लाइन कॉपी हो जाएगा। उसके बाद इसे पेस्ट करने के लिए पेस्ट की कमांड का उपयोग करें, जो कि Ctrl+V होती है। जैसे ही आप Ctrl+V को प्रेस करेंगे तो जो आपका लाइन सेलेक्ट है या हाईलाइट है वह हट जाएगा। उसके बाद आपको एंटर बटन का उपयोग करना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आप पेस्ट की कमांड का उपयोग करें, फिर एंटर बटन का उपयोग करें, फिर इसे पेस्ट करें, फिर एंटर बटन का उपयोग करें, फिर पेस्ट करें। इस तरह से आप 5 लाइन को पेस्ट करें शॉर्टकट कमांड के द्वारा, और उसके बाद एडिट के ऑप्शन के द्वारा पेस्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हर एक लाइन के बाद
पेस्ट करने के बाद आपको एंटर बटन का उपयोग करना है और फिर एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आना है पॉइंटर को और पेस्ट पे क्लिक कर देना है। फिर एंटर बटन का उपयोग करना है, एडिट पे जाना है, पेस्ट कर देना है। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट उपयोग करके 10 लाइन को बनाएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपने इस लाइन को 10 बार कॉपी पेस्ट कर लिया है? अगर नहीं तो दोबारा से वीडियो को देखें। आइए अब बुलेट्स और नंबरिंग के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग क्यों करते हैं? अगर आप कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं और लाइन के आगे अलग अलग प्रकार के सिंबल लगाना चाहते हैं तो बुलेट्स का उपयोग करेंगे। बुलेट से आप हर एक लाइन के आगे बुलेट्स लगा सकते हैं। अगर आप लाइन के आगे नंबर लगाना चाहते हैं तो नंबरिंग का उपयोग करेंगे। वीडियो की मदद से बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग कैसे करते हैं। बुलेट्स और नंबरिंग को आप अपने लाइन के पहले इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को लाइन के पहले रखें, उसके बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद बुलेट्स लिखे हुए ऑप्शन या टैब पर क्लिक करें, जिसके बाद बुलेट्स के बहुत सारे ऑप्शन या विकल्प ओपन हो जाएंगे, यानी कि खुल जाएंगे। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे बुलेट्स के प्रकार उनको सेलेक्ट करें और फिर ओके पर क्लिक कर दें, वह आपके लाइन पर बुलेट्स आ जाएगा। इसे ऑफ करने के लिए, हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से दोबारा से फॉर्मेट पे जाएं, क्लिक करें, बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक करें, अगर कोई दूसरा आपको चाहिए तो दूसरा सेलेक्ट करें और फिर ओके कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब नेक्स्ट लाइन में आपको इंसर्ट करना है। ऐसे अपने पॉइंटर को दूसरे लाइन पे रखें, उसके आगे जहां आपको बुलेट्स या नंबरिंग चाहिए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं, यहां पे क्लिक करें, उसके बाद बुलेट्स या नंबरिंग पे क्लिक करें, उसके बाद नंबरिंग टाइप पे क्लिक करें। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे नंबरिंग उसे सेलेक्ट करें और ओके के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपके दूसरे लाइन पे नंबर इंसर्ट हो जाएगा। अब इसे हटाने के लिए आप फिर से बुलेट्स एंड नंबरिंग के टूल बार पर पॉइंटर को लेकर आएं और नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अगर आपको और भी नंबरिंग चाहिए तो यहाँ पर तीसरे लाइन में पॉइंटर को रखें, फिर फॉर्मेट पे जाएं, क्लिक करें, उसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग पे क्लिक करें, फिर आप आउटलाइन लें या आउटलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद इनमें से किसी एक आउटलाइन के ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जो भी आपको इनमें से अच्छा लगे, और फिर ओके कर दें। तो इस तरह से आप आउटलाइन को इंसर्ट कर सकते हैं। चौथे लाइन के आगे कर्सर को रखें, फॉर्मेट पे जाएं, बुलेट्स एंड नंबरिंग पर क्लिक करें, उसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग के बॉक्स के अंदर ग्राफिक्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिंबल आ जाएंगे, जो कि ग्राफिक्स बुलेट्स होते हैं। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करें और फिर ओके कर दें, वह आपके चौथे लाइन में ग्राफिक इंसर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर आपको फिर दूसरे लाइन में कुछ और टाइप करना है और सेम ऐसा ही ग्राफिक्स चाहिए तो आपको बस एंटर बटन का उपयोग करना होता है। अगर आप आउटलाइन को सेकंड लाइन में वैसे ही लाना चाहते हैं सीक्वेंस में, तो फिर आप
उस लाइन के आगे रखें और फिर एंटर बटन का उपयोग कर दें तो आउटलाइन आ जाएगा। अगर उसे हटाना है तो बैक स्पेस दबा दें या फिर अंडू कर दें। अब फिर दूसरे लाइन में पॉइंटर को रखें और एंटर बटन को दबाएं, जिससे कि वन नंबरिंग के बाद दूसरा नंबरिंग आ जाएगा। इसे हटाना है तो आप बैक स्पेस की का उपयोग करें या अंडू का उपयोग कर लें। अब आप पहले लाइन पे क्लिक करें, एंटर बटन प्रेस कर दें, जिससे कि एक और बुलेट्स उसके आगे इंसर्ट हो जाएगा। अगर उसे ठीक करना है तो आप अंडू कर दें या फिर बुलेट्स को ऑफ कर दें। तो इस तरह से आप बुलेट्स और नंबरिंग का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब फॉर्मेट मेनू के पेज सब मेनू के बारे में सीखते हैं। पेज सब मेनू की मदद से आप पेज के बारे में जान सकते हैं। पेज का बैकग्राउंड, बॉर्डर, कॉलम इत्यादि को मैनेज अथवा सही करने की मदद करता है। पेज सब मेनू का सबसे पहला ऑप्शन पेज का है। सामने दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, यह पेज सब मेनू का ऑप्शन है। पेपर फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, पेपर फॉर्मेट के टाइप और उसके बारे में जान सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि पेज फॉर्मेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं। पेज फॉर्मेट के लिए आप अपने पॉइंटर को फॉर्मेट पर लेकर आएं, फिर पेज पर ले जाएं पॉइंटर को, क्लिक करें जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आप पेपर फॉर्मेट पर तीन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं, फॉर्मेट, विड्थ और हाइट। फॉर्मेट पे जब क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर पेज के फॉर्मेट के अलग अलग प्रकार मौजूद होंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे आप ड्रैग डाउन करके, ड्रॉप डाउन करके ऐसे ऊपर नीचे ड्रैग करके जो भी लेना है, A4 साइज, जैसे कि हम प्रिंट आउट लेते हैं इस साइज पे, इनमें से जो भी आपको लगे अच्छा इन बोलेप उसे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको विड्थ बढ़ाना है तो इसके विड्थ को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर कम करना है तो नीचे वाले पे क्लिक करके कम कर सकते हैं। अगर आपको पेज के हाइट को बढ़ाना है तो जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ऐसे हाइट बढ़ा सकते हैं, और फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है, जिससे कि यह जो आपने चेंजेस किए हैं अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कि आपके पेज का फॉर्मेट और हाइट और वेट दोनों बढ़ गया। आप चाहें तो इन सभी ऑप्शनों को एक एक करके उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप पेज फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं। अब आप ओरिएंटेशन के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? ओरिएंटेशन ऑप्शन की मदद से आप अपने पेज की प्रॉपर्टी मतलब कि उसकी हाइट वेट को बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी आप सभी का पेज पोर्ट्रेट है, इसलिए आपके पेज की हाइट ज़्यादा होगी। अगर आप इसे लैंडस्केप कर देंगे तो इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी और हाइट कम हो जाएगी। आइए अब वीडियो को देखकर ओरिएंटेशन का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं, फिर पेज पर ले जाएं और क्लिक करें यहाँ पे, जिससे कि पेज के सब मेनू ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे पेज को सेलेक्ट करें और ओरिएंटेशन ऑप्शन के साथ में लेकर आएं। जैसे कि देखें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। आपको लैंडस्केप सेलेक्ट करना है और ओके करना है। देखें अब आपका पेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर अब इसे ठीक करने के लिए दोबारा से फॉर्मेट पे जाएं, क्लिक करें, पेज पर क्लिक करें, उसके बाद अब पोर्ट्रेट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब देखें पेज आपका नॉर्मल व्यू में हो गया। तो इस तरह से आप ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब आप बैकग्राउंड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि पेज बैकग्राउंड से क्या होता है? पेज बैकग्राउंड से आप पेज के पीछे
के बैकग्राउंड कलर को बदल सकते हैं और पेज के बैकग्राउंड में कोई इमेज को लगा सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि पेज के बैकग्राउंड को कैसे बदलते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि पेज के बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद फॉर्मेट पर क्लिक करें, फिर पेज पर क्लिक करें, उसके बाद पेज के अंदर बैकग्राउंड ऑप्शन को सेलेक्ट करें या टैब को, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके अंदर अब जैसे कलर है, इसमें से कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट करें जो भी आपको अच्छा लगे। इसके अंदर दो ऑप्शन दिया गया है, कलर पर क्लिक करेंगे एक तो कलर और एक ग्राफिक। कलर लेंगे तो कलर आएगा, अगर ग्राफिक सेलेक्ट करते हैं तो ग्राफिक आएगा। मान लीजिए आपको कलर लेना है तो आपने कलर को सेलेक्ट किया जो भी आपको अच्छा लगे, उसके बाद ओके कर दें तो देखे आपके राइटर के पेज पर वह कलर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कलर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इसको ग्राफिक लेना है, फॉर्मेट पे जाएं, पेज सेलेक्ट करें, बैकग्राउंड अब यहां से क्लिक करें, उसके बाद ग्राफिक को सेलेक्ट करें, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करें और जो भी आपको पिक्चर लेना है, आपका पिक्चर जहाँ पे है, डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, जहाँ भी है, जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर के अंदर पिक्चर के अंदर है तो हम पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोई भी एक पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ओपन कर देंगे और उसके बाद वह पिक्चर यहाँ आ जाएगा और फिर ओके कर देंगे तो हमारे पेज पर यह पिक्चर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं या बैकग्राउंड के ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हेडर एंड फुटर का उपयोग करना सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं हेडर और फुटर का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, हेडर का उपयोग जब अगर आपको किसी टाइटल अथवा किसी बुक का नाम हर एक पेज पर दिखाना है और फुटर से हर एक पेज पर नंबर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हेडर और फुटर को लगाने के साथ साथ उसके बॉक्स के मार्जिन, मतलब कि उसे छोटा अथवा बड़ा कर सकते हैं। उसके साथ में आप मार्जिन का भी उपयोग करना सीखें। आइए अब वीडियो की मदद से हेडर और फुटर लगाना सीखते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि हेडर का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हेडर पेज के टॉप यानी कि ऊपर वाले हिस्से में होता है या आता है, इंसर्ट होता है। इसके लिए आप सभी फॉर्मेट पर क्लिक करें, उसके बाद पेज पर क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर हेडर पर क्लिक करें। जब आप हेडर पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे हेडर ऑन के ऑप्शन के ठीक सामने तो टिक का निशान बनेगा, यानी कि सही का निशान बन जाएगा, जिसके बाद हेडर के सारे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे यानी कि शो होने लगेंगे। उसके बाद आप इनके मार्जिन को सेट कर सकते हैं हेडर को, जैसे कि लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन से आप लेफ्ट से कितना छोड़ना चाहते हैं, राइट से कितना छोड़ना चाहते हैं, यह सब सेट कर सकते हैं। अगर हेडर इंसर्ट करना है तो आप डायरेक्ट ओके पर क्लिक कर दें जिससे कि इंसर्ट हो जाएगा। आइए अब इसके मार्जिन को सेट करते हैं। आप हेडर के मार्जिन, जैसे कि आप पेज के लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से, दोनों तरफ से दे सकते हैं। इसके लिए दोबारा से फॉर्मेट पर जाएं, क्लिक करें, फिर पेज पर क्लिक करें। अब यहाँ पे जैसे कि आप सामने दिखाया जा रहा वीडियो में, सबसे पहला ऑप्शन लेफ्ट मार्जिन का है, लेफ्ट मार्जिन के इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बढ़ते हुए नंबर आएंगे, जैसे कि आपका जो हेडर है वह लेफ्ट से छोड़ के आगे की तरफ जाएगा, और नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो जो लेफ्ट का मार्जिन होगा वह कम होता चला जाएगा और फिर ओके कर दें। अब देखें कि यह हेडर
आपके जो टेक्स्ट बाउंड्री है उससे थोड़ा और आगे चला गया है, पहले बराबर में था अब आगे चला गया है, तो यह होता है लेफ्ट मार्जिन। अगर इसे कम करना है दोबारा से फॉर्मेट पे जाएं, पेज पर क्लिक करें, वैसे ही आप राइट मार्जिन का उपयोग करेंगे। अब स्पेसिंग का करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। स्पेसिंग से आप हेडर के बीच का स्पेस को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्लिक करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपके टेक्स्ट बाउंड्री और हेडर के जो बाउंड्री है उसके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप स्पेसिंग का उपयोग करते हैं। दोबारा से आप फॉर्मेट पे जाएं, पेज पर क्लिक करें, अब अपने पॉइंटर को हाइट लिखे हुए ठीक उसके सामने ऑप्शन पर लेकर आएं और यहाँ पे क्लिक करें, जिससे कि आपके हेडर का हाइट बढ़ेगा यहाँ पे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप हेडर का उपयोग कर सकते हैं और उसके हेडर के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप सभी अपना नाम टाइप कीजिए या आपको जो अच्छा लगे टाइटल देना चाहते हैं उसे टाइप करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप हेडर का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फुटर को कैसे इंसर्ट करते हैं। फुटर इंसर्ट करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पे लेकर आए, पेज पर ले जाएं, अब क्लिक कर दें। उसके बाद इस ऑप्शन के अंदर आप फुटर लिखे हुए ऑप्शन पे ले जाएं और फिर क्लिक कर दें, जिससे देखेंगे कि यह शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो फुटर शो होने लगेगा। जैसे कि आप सभी ने हेडर के मार्जिन को सेट किया या हेडर इंसर्ट किया, वैसे ही इसको भी करना है। तो आप सबसे पहले फुटर इंसर्ट करें, जिसके लिए आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। तो अब आपके राइटर के पेज पर फुटर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब इसके मार्जिन को सेट करना है तो दोबारा से फॉर्मेट पे जाएं, क्लिक करें, अब पेज पर क्लिक करें। मान लीजिए इसका आपको आपने जैसे हेडर में लेफ्ट मार्जिन सेट किया था, अब आपको फुटर के अंदर राइट मार्जिन को सेट करना है। तो आप इसके यहाँ पे जहाँ पे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ऊपर वाले हिस्से पर क्लिक करेंगे तो यह बढ़ता जाएगा और फिर आपको ओके पर क्लिक करना है तो यह फुटर के राइट मार्जिन यानी कि इधर से पीछे की तरफ कम हो जाएगा, राइट से कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप फुटर के राइट मार्जिन या लेफ्ट मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं। दोबारा से फॉर्मेट पे जाएं, क्लिक करें, पेज पर क्लिक करें, अब आप स्पेसिंग के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है स्पेसिंग बढ़ाना है फुटर का, तो यहाँ पर क्लिक करें, अगर कम करना है तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओके के बटन को क्लिक कर दें। तो इस तरह से आप स्पेसिंग का उपयोग कर सकते हैं। फुटर के स्पेसिंग का उपयोग करेंगे तो आपके लाइन जो टेक्स्ट बाउंड्री है उसके और फुटर के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। दोबारा से फॉर्मेट पर जाएं, पेज पर क्लिक करें, उसके बाद हाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे कि फुटर के या फुटर का स्पेस बढ़ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आपको फुटर में पेज नंबर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट में जाएं, क्लिक करें, उसके बाद फील्ड्स लिखे हुए ऑप्शन पे जाएं, उसके बाद पेज नंबर पर क्लिक कर दें, जैसे कि पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप फुटर का उपयोग कर सकते हैं और उसके मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन पेज सब मेनू के बॉर्डर ऑप्शन का है। क्या आप बता सकते हैं पेज बॉर्डर से क्या होता है?
बॉर्डर से आप पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर उस बॉर्डर के टाइप को सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि चारों तरफ बॉर्डर लगाना है अथवा लेफ्ट साइड के साइड में बॉर्डर लगाना है, और आप लाइन के विड्थ के साइज को चेंज कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से इसका उपयोग करना सीखते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि पेज पर बाउंड्री को कैसे सेट करते हैं या बॉर्डर्स को कैसे लगाते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद पेज पर ले जाएं, क्लिक करें, फिर आप बॉर्डर लिखे हुए ऑप्शन या टैब पर क्लिक करें। अब इसके अंदर आप देखें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइन अरेंजमेंट, स्पेसिंग टू कंटेंट, शैडो स्टाइल। सबसे पहले आप लाइन अरेंजमेंट और लाइन स्टाइल के बारे में सीखेंगे। आप अपने पॉइंटर को ऐसे नीचे की तरफ लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। लाइन अरेंजमेंट के नीचे यहाँ पे आपको पांच ऑप्शन दिए गए हैं। पहला डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। दूसरा सेट ऑल फोर बॉर्डर। तीसरा है आपका सेट लेफ्ट और राइट बॉर्डर। चौथा है आपका सेट टॉप एंड बॉटम बॉर्डर। और सबसे लास्ट है सेट लेफ्ट बॉर्डर। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करें, या जहां जो भी बॉर्डर देना है। मान लीजिए आपको फोर बॉर्डर देना है, यानी कि पेज के चारों तरफ बॉर्डर देने हैं, तो आप सेट ऑल फोर बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके लाइन के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर के, यहाँ से जैसे आपको दिखाया जा रहा है। आप इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आए, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लें। अब चाहे तो आप इसके लाइन के स्टाइल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने पॉइंटर को यहाँ पे नीचे लेकर आना होगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे क्लिक करें, फिर इसे नीचे की तरफ लेकर आए। जो भी आपको कलर इसमें अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर लें, और फिर ओके पर क्लिक कर दें कि या पेज के ऊपर बॉर्डर को सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब आप चाहें तो इसे ड्रैग करके आप अपने पेज को देख सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि पेज स्पेसिंग टू कंटेंट्स का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद पेज पर क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आप अपने पॉइंटर को स्पेसिंग टू कंटेंट्स ऑप्शन पर लेकर आए। यहाँ पे देखें चार अलग अलग प्रकार की ऑप्शनें दी गई हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं सिंक्रोनाइज ऑप्शन पे टिक का निशान है, इसको हटाएं, या अगर ऐसे टिक बना रहेगा आप किसी भी मार्जिन पर क्लिक करेंगे, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, सबका एक साथ साइज बढ़ता जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। या आप कम करें या बढ़ाएं, सबका एक साथ होगा। अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर कंटेंट्स के स्पेस को कम करना है, बढ़ाना है, तो आपको उसके लिए सिंक्रोनाइज को हटाना होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको लेफ्ट के स्पेस बढ़ाना है, तो लेफ्ट वाले पे क्लिक करें या उसके स्पेस के साइज को बढ़ाएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर आप ओके पर क्लिक कर दें, जैसे कि देखें कि आपके पेज का मार्जिन जो है स्पेसिंग वो बढ़ जाएगा। अब इसे ठीक करना है या बढ़ाना, जो भी है, आप फॉर्मेट पे लेकर आए, पेज पर क्लिक करें। अगर आपको टॉप से बढ़ाना है तो टॉप पर क्लिक करें। अब जो आपका स्पेस होगा वह टॉप से आ जाएगा, टॉप से बढ़ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप पेज मार्जिन के स्पेस टू कंटेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इसे ठीक करना है, दोबारा से फॉर्मेट पे जाएं, पेज पर क्लिक करें, उसके बाद लेफ्ट मार्जिन को बराबर करें, फिर टॉप के मार्जिन को बराबर करें, और फिर उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें, या सिंक्रोनाइज पे क्लिक करके
ओके कर दें, जिससे कि आपके पेज का स्पेसिंग टू कंटेंट जो है वह ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेज स्पेसिंग टू कंटेंट्स का उपयोग करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि शैडो का उपयोग कैसे करते हैं और इससे क्या होता है। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद फिर आप शैडो स्टाइल जो कि यहाँ पे हैं, इसके अंदर तीन ऑप्शन है, पोजीशन, डिस्टेंस और कलर। अभी कोई सेलेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हम पोजीशन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, पहला बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है जो नो शैडो के नाम से होता है, और बाकी में से चार में से एक किसी को सेलेक्ट करेंगे तो आपका डिस्टेंस और कलर वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इनमें से जो भी आपको एक अच्छा लगे शैडो का स्टाइल, उसे सेलेक्ट करें। अब आप डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। इससे आप अपने शैडो को कितना दूरी देना चाहते हैं या कितने दूर रखना चाहते हैं, इसके साइज को बढ़ा सकते हैं यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन से, और नीचे वाले से कम कर सकते हैं। और फिर कलर, अब आप शैडो का कलर कौन सा देना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर से कोई भी एक कलर जो कि आप शैडो पे देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और फिर ओके कर दें, जिससे कि शैडो आ जाएगा। तो इस तरह से आप शैडो का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी अपने राइटर की फाइल को सेव करें और अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शटडाउन करें। आज की कक्षा में आपने फॉर्मेट मेनू के ऑप्शन जैसे कि बुलेट्स और नंबरिंग, पेज सब मेनू का उपयोग करना सीखा।